Hello guys, how are you? I hope you are fantastic. Today, this is my first lecture. My name is Shazib Rasool. Let's talk about how to install Adobe Photoshop in your PC. So let's begin. सबसे पहले आपके सामने ये जो RAR फाइल है Photoshop CS5 Portable Multi Dot Bio कंपनी का नेम है ये मैंने एक नॉन अथेंटिक किस्म की वेबसाइट से डाउनलोड की है लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप इसे जाकर वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं हम बेसिकली इसे यूज़ करने का मकसद ये है ये रजिस्टर्ड वर्जन है आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा और ये इजीली अवेलेबल भी होता है क्रैक्स भी है और ये पोर्टेबल भी आप जहाँ पर दिल करे यूज़ कर सकते हैं कंपनी वगैरह का कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट भी नहीं है तो सबसे पहले हम इस पर जाकर ओपन ट्राई करेंगे 7-zip में अगर आपके पास विन रह रहा है तो आप डबल क्लिक करें ये ओपन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है अभी देखते हैं उसके बाद फोटोशॉप पोर्टेबल 12.0 इंग्लिश फ्रेंच ये लैंग्वेजेस के नेम है .exe फॉर्मेट की ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर आकर आपने डबल क्लिक करना है ये अब एक्सट्रैक्ट होकर रन हो जाएगी आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये देखिए फोटोशॉप CS5 पोर्टेबल मल्टी डॉट बाय इस फाइल पर आपने विनरर में या 7-zip में ओपन करना है ओपन करने के बाद इसे रन करना है या फिर ओपन करना है जब आप इसे ओपन करेंगे तो उसके बाद आप ये ओपन हो जाएगा GUI फोटोशॉप का अब इसे इंस्टॉल कैसे करना है सिंपली आपकी जो लैंग्वेज है आप इन लैंग्वेजेस में से सिलेक्ट करिए अगर इनमें से कोई नहीं है तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट है उसे नेक्स्ट कर दीजिए नेक्स्ट करने के बाद आपने वो लोकेशन जहाँ पर आप Adobe फोटोशॉप को सेव करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए मैं माय कंप्यूटर की लोकल डिस्क सी में इसे सेव करना चाहता हूँ वहाँ पर पहले से भी मौजूद है लेकिन चलो मैं प्रोग्राम फाइल में इसे सेव करना चाहता हूँ ओके देख सकते हैं आप ये हमारी डेस्टिनेशन है ये स्पेस रिक्वायर्ड कि स्पेस कितना चाहिए 319.6 MB की ये फाइल है और हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है वो है 4.7 GB तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं ये देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है ये देखिए एक्सट्रैक्ट ये फाइल नेम्स ये मुख्तलिफ फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं ये कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा अभी हम वीडियो को पॉज कर देते हैं आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट डन नॉर्मली ये इतना टाइम नहीं लेता लेकिन क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा स्लो है और साथ में हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो इसलिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया इंस्टॉलेशन पे लेकिन नहीं कोई बात नहीं ये जल्दी हो जाएगा आपके कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट लेगा उसमें ही ये कम्प्लीट हो जाएगा
हो गया, ये कंप्लीट हो गया, हो गया, हो गया। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कहेगा रन Adobe फोटोशॉप CS5 पोर्टेबल आर नॉट। अगर चेक बॉक्स को यस करेंगे तो ये रन करेगा, नहीं तो फिर आप अपने तरीके से भी जाकर रन करवा सकते हैं। तो मैं इसे रन नहीं करूँगा, उससे पहले आपने सेटिंग करनी है। सेटिंग क्या करनी है मैं भी बताता हूँ। बाजू का हम फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद हम जब फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो काम नहीं करता। उसकी वजह ये होती है हमने सेटिंग ही नहीं की होती। तो हम सेटिंग करेंगे सबसे पहले Adobe फोटोशॉप, जहाँ पर हमने सेव किया है, यानी प्रोग्राम फाइल में आएंगे, फोटोशॉप पोर्टेबल के फोल्डर में जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद कॉम्पैटिबिलिटी में जाना है। कॉम्पैटिबिलिटी में जाने के बाद चेंज सेटिंग फॉर ऑल यूजर करना है। अब यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है। अब जब भी Adobe फोटोशॉप चलेगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर में चलेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसे मुख्तलिफ किस्म की जो एक्सेस करने या डिनाइड करने की जो कमांड्स हैं वो अगर आप देंगे तो उससे कंप्यूटर पर फर्क पड़ेगा, तो कंप्यूटर हमें कुछ उसकी इजाज़त दे देगा, एक्सेस डिनाइड नहीं होगा। तो ये था Adobe फोटोशॉप को इंस्टॉल करना, Adobe फोटोशॉप रन करना और इसे चलाकर इसके बेसिक टूल्स के बारे में जानना। हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं Adobe फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। Adobe फोटोशॉप Adobe की एक प्रोडक्ट है जो कि आई थिंक 1998 में लॉन्च की गई थी सबसे पहली बार, और अब तक इसकी राउंड अबाउट 19 से अबव वर्जन आ चुके हैं। इसका ये वाला वर्जन 12th वर्जन है। आप हमारा कोर्स ये 12th वर्जन यानी CS5 Adobe फोटोशॉप पर है। ये सिर्फ इसी पर एप्लीकेबल नहीं है, आप किसी भी चाहे Adobe फोटोशॉप 7.0 पर भी इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। सारे टूल्स सेम ही हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सेम हैं। Thanks for watching. Go to next video and enjoy photography. मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए good night.